मैं पिंडी जा रहा हूँ। पिंडी जासो, पिंडी 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 जासो, पिंडी 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 डबल एट डबल एट पिंडी। अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो रोज की तरह आज भी हम आपको सुनाएंगे बाबा जी सस्ती शायरी, जो कि रोज़ की तरह हमेशा की तरह बहुत ही सस्ती होने वाली है। तो अर्ज़ किया है कि WWE में एक टाइम में आपका फेवरेट रहा होगा रॉक। वाह 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 वाह, रॉक का तो पता ही होगा ना आपको, WWE सुपरस्टार। हाँ, कि WWE में एक टाइम में आपका फेवरेट रहा होगा रॉक। अगर आप उठाओगे ड्रॉप से आम, तो हम करेंगे नेट से आपको नॉक। सस्ती शायरी विद द नॉनी मस बाबा जे। तो गाइस, सस्ती शायरी कैसी लगी ये आप लाइक ठोक के बताना। और आज ना गाइस देखो, मैं स्क्वाड वाइप भी करता हूँ, वैसे मैं नॉर्मली अपने आपको नूब बोलता हूँ, मतलब हाँ मैं नूब हूँ, लेकिन इस नूब ने ना आज ऐसा क्लच कर दिया ना कि मैं आज आप लोगों को बोलूँगा आप लोगों ने करने 40,000 लाइक्स। ये आप लोगों को करने पड़ेंगे, क्योंकि वो जो क्लच था ना, मैं कह रहा हूँ अगर मुझे 100 बारियाँ और दी जाए ना, मैं वो नहीं कर पाऊँगा। जिसे कहते हैं ना गोल्डन मोमेंट, वो बन गया था, ऐसा क्लच हो गया था गाइस। और ये लॉबी है एस की, और वो भी यूरोप की। मिडिल ईस्ट फिर आसान होता है, और जो है ना वो भी आसान देखा मैंने, लाइक एशिया भी थोड़ा बहुत आसान होता है, बट यूरोप में ना जो ये होते हैं ना अरबी, इनकी पिंग अच्छी आती है। और ये भाई अमीर बाप के औलाद होते हैं सारे, आपको तो पता है, तो इनकी डिवाइसें अच्छी होती हैं। तो इसलिए ना हम लोग के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, यूरोप ना ऊपर जाके ना लाइक 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो गाइस, जब मैं कह रहा था लूट, हम लोग इधर थे, वो हमारे बिल्कुल अपोजिट साइड वाली बिल्डिंग पर थे। जैसे मुझे गन मिल गया, मैं अपने टीममेट को बोला भाई मैं जा रहा हूँ मिडिल वाली बिल्डिंग में। गाइस, उसकी वजह ये थी कि अब उनको ना मैंने एक बिल्डिंग तक रोक के रखना था, हमारे पास ज़्यादा लूट हो, उनके पास लूट की कमी हो। और वही किया, मैं यहाँ पे आके रुका, तो उनको जब साउंड वाउंड आया होगा, उन्होंने यहाँ रश नहीं किया और लूट हमें ज़्यादा मिल गया, और वहाँ से ये लोग अपनी बिल्डिंग तक रुक गए। और फिर यहाँ पे मेरे टीममेट भाई, इनको पता नहीं क्या है, जब भी बंदा आएगा ना घुस जाएंगी और फिर नॉक होकर बैठ जाएंगी। भाई हमने फौरन से उनको नॉक किया ताकि रश ना हो, अब हम जाके कैसे भी करके रिवाइव देंगे। अगर मैं रिवाइव ना देता ना गाइस, तो रश हो जाता, और लाइक मैं नॉक ना करता ना उनका भी, तो रश हो जाता। वो देखो रश कर रहे थे, बट उनके टीममेट ने बोला होगा भाई हमारा नॉक क्या, रश मत करो। और यहाँ पे साउंड भी आया था कि बंदा उनका एक नीचे आ चुका, तो मैं क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए एक बार देख रहा था कि बंदा नीचे तो नहीं है, नीचे नहीं था। फिर मैं रिवाइव दूंगा और वापस से बाबा जी चला जाऊंगा छत पे, क्योंकि छत से मुझे थोड़ा अच्छा एंगल मिल रहा था। और अगर एक ही जगह से टीवी पे लेंगे ना, तो गाइस कभी भी एक साथ जुड़ के टीवी में मत लो, लाइक एक रूम से दो बंदे टीवी में मत लो, नेट आएगा ना तो आप दोनों फट जाओगे। तो मैं हेलमेट मार्क के अपने टीममेट के लिए फ़ौरन से चला गया दोबारा से छत पे बाबा जी। और इतनी देर में हमारी टीममेट को हो जाता है रश, और अब हमें छत से उतर के जाना पड़ेगा, और वो लोग नॉक एंड फिनिश कर देते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। अब हम लेंगे बदला। गैस, मुझे लगा ये चार बंदे होंगे, बट ये तीन ही थे, और जिस क्लच की मैं बात कर रहा था ये वो नहीं है। गैस मैं बता रहा हूँ आप लोग को ना, प्लीज़ अनॉनिमस की पब्लिक, वैसे बोलने की ज़रूरत नहीं, आप लोग वैसे ही कर देते हो, लेकिन आज मैं कुछ ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं खुद बोल रहा हूँ कि अगर आप मुझे 100 बारियाँ और दोगे ना, कि जाओ सेम जगह, जाओ सेम क्लच करो, 100 बारियों में भी नहीं होगा वो क्लच, ऐसा क्लच था। और वो टिकटॉक पे भी इंशाल्लाह मुझे पता है ट्रेंडिंग में जाएगा, लाइक वायरल हो जाएगा, इंस्टा पे भी वायरल हो जाएगा, आई नो, क्योंकि वो ऐसा था ना गाइज, आप खुद हैरान परेशान हो जाओगे। तो वीडियो स्किप नहीं करनी, पूरी देखनी है, और अपने दोस्तों को बोलना कि जा भाई लाइक करके आ, 40,000 लाइक्स हमने पूरे करवाने हैं, बस आपने करवाने हैं। अब आने वाला है गाइज वो क्लच, हम बग्गी लेके निकले अपनी छिपकली में, और मुल्तान से हम लोग निकल चुके थे बग्गी में। अब मैं जा रहा था नोवा वाली साइड से, कराची वाली साइड से ब्रिज क्रॉस करके, क्योंकि वहाँ पे जोन ज़्यादा था। और गाइज यहाँ पे ना हमारे पीछे लग जाती है US। अब मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आप खुद देख लो कि हुआ क्या।
तो अगर आप अब मानते हो कि ये वीडियो या 40,000 लाइक्स डिजर्व नहीं करती, तो बेशक डिसलाइक करके चले जाना। गाइज मैं बता रहा हूँ, मैं काफ़ी देर तक कुछ बोला नहीं और हाथ ना मेरे ऐसे कांप रहे थे। बस मैं पैनिक नहीं हुआ, हाथ पांव कांप रहे थे, ऐसे दिल घबराने लग गया था। मतलब होता है ना, अचानक से बंदा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, वो वाला सीन हो गया था मेरे साथ। बट मैं पैनिक नहीं किया, एक होता ना पैनिक करके बस डर जाना, वो चीज़ नहीं थी। बट हाँ, थोड़ा बहुत घबरा गया था, खुद पर काबू रखा और मुझे पता था क्या करना है। डर लाइक हाथ पांव कांप रहे थे, चार बंदे आ गए, फिर भी मैं वो कर दिया। और बाबा जी फिर पिंडी बॉय बोलते मौत कुछ हुआ और टक से वापस आ गए फिर हम। इसलिए कहते हैं टेंशन ना लिया करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, नाड़ा अच्छे के लिए होता है। बाबा जी फिर हमने इनकी लूट के मज़े से, और इनके साथ ना प्रैंक हो गया होगा गाइज, मैं बता रहा हूँ लाइक हो गया। वो उनको लग रहा होगा भाई क्या मतलब, नहीं क्या एक मिनट में वक्त नहीं, वो कैसा था, एकदम वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, ज़िंदगी बदल गई। 40 अलाइव से, हाँ 4 kill पे 40 अलाइव से एकदम वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, ज़िंदगी बदल गई बाबा जी। बट गाइज पता है मैं ना सच में यार बहुत मेहनत करता हूँ वीडियोस बनाने के लिए, और मर मर के ना मेरा केडी भी इतना गिर जाता है, बट फिर भी मैं सोलो स्क्वाड लगा रहता हूँ। आज भी पूरा दिन हो गया था, और रात के भी ना 2:30 बजे हैं जब मैं ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ, मतलब पूरा दिन हो जाता है एक गेम प्ले के चक्कर में। और फिर ये वाला गेम प्ले अब मैं रात के 2:30 बजे एडिट कर रहा हूँ, और फिर सुबह के टाइम सो जाऊँगा, दिन को पब्लिक कर दूँगा, ऐसा नहीं है। बस प्यार खतरा करो। यहाँ पे गाइस अलग स्क्वाड था और मुझे नहीं पता था, अब मैं इस बंदे को नॉक किया, यहाँ पे लो कर दिया था, और अब इसकी टीम बंदे करेंगे रश, और यहाँ पे ना बस पबजी ने हमें धोखा दे दिया। वो धोखा कैसे दिया आप देख लो, ये देख मैं अपना बेस्ट दिया था गाइज, यहाँ पे अपना बेस्ट दिया था, मुझे इतना दुख हुआ था ना जब यहाँ मर गए। अब खुद बताओ, जंप किया और सेकंड फ्लोर पे तो अटक ही जाता है भाई, पबजी ने जब मरवाना होता है ना आपको, फिर बस मौत को छू के आप टक से वापस नहीं आ सकते। उतने अच्छे गेम प्ले की माँ बहन कर दी पबजी ने, बट कोई बात नहीं बाबा जी, नहीं था किस्मत में। बट आप लोग को एक क्लिप, एक स्क्वाड वाइज दिखाना लिखा था किस्मत में, तो मैं वो आपको दिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ थोक देना 40,000 लाइक्स पब्लिक। उसके बाद गए हम लोग उतरे बूथ कैंप, और बूथ कैंप में भाई काफ़ी बंदे आ रहे थे, डो स्क्वाड हम लोग खेल रहे थे। और पता है गाइज, ये जो नंबर 2 है ना, आपको पता है ये कौन है, ये आपकी भाभी हैं, और हम दोनों बस मियां बीवी साथ में खेलते रहते हैं गेम, और इसकी गेम नहीं है, मतलब समझा करो मैं सोलो स्क्वाड ही खेल रहा हूँ, ये नूब है। और फिर लोग मार रहे होते लाइक मार दे, फिर टैग वैग कर रहे होते हैं भाई स्टार के स्क्वाड को मार दिया, भाई क्या स्क्वाड, हम दोनों लाइक नॉर्मली ऐसे ही मर जाते हैं। आप लोग मुझे TD में बुलाओ, ऐसे ही मार दो यार, मैं ऐसे ही मर जाऊँगा अगर आपको ऐसा खुशी मिलती है, मतलब क्या ऐसे टैग करके क्या मतलब क्या। तो फिर गैस यहाँ पे हमने इसको नॉक किया और फिनिश करेंगे लाइक इजी। गैस देखो, जो मैं तो यार नॉर्मल प्लेयर हूँ आप लोगों जैसा, मैं इजीली मर जाता हूँ, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। बट हाँ समटाइम कुछ ऐसा कर देता हूँ कि आप लोग को बहुत पसंद आता है, और इसीलिए आप लोग के दिलों में रिस्पेक्ट इतना प्यार है मेरे लिए, बस ये कहना चाहता हूँ। तो भाई ये बंदा आता है अचानक से, और फिर यहाँ पर इसको किया नॉक और करेंगे फिनिश। अचानक से आ गया था बाबा जी, और फिर दोबारा साउंड आते कि मतलब ना यहाँ इतना ज़्यादा साउंड आ रहे थे, और हमारे मुझे मैं बताने भूल गया कि नंबर 2 नूब नॉक एंड फिनिश हो चुके थे उनको ना, बस मतलब कैमरा नहीं जो कि आपको पता था भूत कैमरे में पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। अचानक से इतना जो है ना, अचानक से बंदे आ जाएंगे, अचानक से वक्त बदल जाएगा, किस बात बदल जाएंगी, ज़िंदगी बदल जाएगी, जहाँ जा रहा था बंदे। तो गाइस बूट कैंप में जाओ, मेन बिल्डिंग में होना, ज़्यादा मूव मत करो, गन उठा लो, हेलमेट वैसे उठा लो, और कम से कम मूव करो। इतने ज़्यादा साउंड आ रहे होते हैं ना, इतने ज़्यादा मार्क आ रहे होते हैं कि आपको नहीं पता होगा कौन बंदा कहाँ पर है। तो मेरे साथ भी सेम हो रहा था, तो मैं बड़ा सोच समझ के बड़ा आराम से खेल रहा था, और यहाँ पर मैं 4 kill किए, और एक ही एरिया में घूमता रहा, मैं मेन बिल्डिंग में नहीं गया था। यहाँ पर तो भाई काफ़ी अच्छी लूट मिल गई। अब ये बेचारा लूट रहा था, इसको भी साउंड नहीं आया होगा कि बंदा नीचे से आ रहा है। सामने बंदा था गाइस, देखो कमाट आया कि हाँ, मैं अपने भाई को नॉक किया, अपने भाई को करेंगे यहाँ पे फिनिश। अब सामने भी बंदे लड़ रहे थे गाइस, तो नीचे ना देखो मार्क आते कि मैंने तो उसको फिनिश किया, पर मैं क्या मार्क किसका आ रहा है। देखो यहाँ पे किल था किसी का, फिर हमने किल चोरी कर लिया।
बाबा जी किल का नो मजाक, लूट का नो मजाक, किल मिले चोरी कर लो, लूट मिले चोरी कर लो अपने टीममेट की, इसका कोई मजाक नहीं है। फिर बाबा जी अब हम आते हैं छत पे और सामने बंदे थे वेयर हाउस में, सामने वाले कंपाउंड में बंदे थे, लेफ्ट साइड बंदा एक छत पे आके लेटेगा, वो देखो गैस आया और लेट गया। फिलहाल मैं उसको मार नहीं रहा था क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि यहाँ से वो नॉक हो जाएगा, बच जाएगा। तो किसको नॉक किया उसको करूँगा फिनिश, मुझे लग रहा था वो बंदा बच जाएगा तो मैं उसको स्प्रे नहीं दे रहा था, बट वो वहाँ आके लेटा हुआ था स्टिल। फिर मैंने कहा चलो मारते हैं, फिर हमने SSS जोहान भैया को किया नॉक, लोबी कर दिया और अब गैस नेट करेंगे एक सामने। ओके अभी नहीं, नीचे बंदा आ गया था, नेट करेंगे, बट यहाँ पे बंदा था तो मैं मारने के लिए इसको आया, इसको गोली नहीं लगी, इसने आकर इस्तेमाल की, नीचे जंप कर गया। बट बाबा जी जैसे तो हमें साउंड ही नहीं आ रहा, नहीं ऐसी उल्लू हाँ। फिर गैस यहाँ पे हमने जल्दी से ना 5K उठा ली जितनी ज़्यादा उठा सकते थे, अकल इस्तेमाल की थी वैसे भाई ने। आप भी ऐसे किया करो जब पता चले ना, फर्स्ट पोजीशन चेंज कर लो, बट मेरे को साउंड आ गया था कि वो नीचे जंप कर चुका है। फिर गैस अब सामने बंदे थे तो मैंने कहा बस रश करते, मैंने दो नेट पहले भी किए थे, एक और किया बट वो बच ही जा रहा था नेट से, बट फिर मतलब नहीं लिखी थी ना नेट से मौत, कैसे हाथ में वो पता नहीं स्टिकल पकड़ के भागा भाई, वाह हमने तो आपको देखा ही नहीं बाबा जी। फिर यहाँ पे करेंगे भाई को फिनिश, वो SSG जोहान भैया किला में मिल गया था जिनको वो लेटे हुए थे नॉक किया था। अब गाइस यहाँ पे रश कर रहा होता बंदा नीचे से, और देखो उनकी पिंग, ये देखो उसका एम पता नहीं कहाँ था, अचानक से आधी हेल्थ खा गया, मतलब क्या अजीब बाबा जी, मतलब नहीं, मतलब इज्जत ही नहीं है कोई अचानक से पाकिस्तान में भाई, क्या मतलब। अच्छा गाइस इनको एक बात है वैसे सीरियसली, कि जितने प्लेयर्स और जितना प्यार मिलता है ना पबजी को पाकिस्तान में, इंटरनेट सर जो इंटरनेट वाले हैं ना हमारे PTCL और बाकी इंटरनेट वाले, उनको लग चाहिए कि पबजी के सर्वर्स के साथ ना कुछ करेंगे, हमारी पिंग अच्छी हो जाए ना। फिर ये भाई साहब आए थे, इनको भी हमने यहाँ पे गैस नॉक एंड फिनिश किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 12 किल हो चुके थे। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया ना तो मतलब क्या बोलें फिर बताओ भाई गाइस, नहीं मतलब कर दो यार प्लीज़ ठोक दो लाइक बटन। फिर गाइस हमने अब इनकी नीचे से करनी है लूट, और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे बाबा जी क्योंकि बूट कैम हो चुका था खाली, और फिर हम इनकी लूट करके निकलते हैं। गाइस सामने से मुझे शॉट्स के साउंड आते हैं, शॉट्स ले रहा बंदा प्रोन होते किसी को मार रहा होता है, तो मैंने अभी उसको स्प्रे दिया बट वो इतना दूर था ना मुझे भी सही से नज़र नहीं आ रहा था, उसको डैमेज तो पड़ा बट वो भग गया। फिर मैं घूम के आता हूँ रोटेट करके उसके ऊपर कि साइड से जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं सामने से जाता उसके पास हाइट थी वो मुझे मार देता। तो हम घूम के आ जाते हैं बाबा जी बंदे को ढूंढने के लिए, और जैसे वो शॉट्स लेते हैं मैं प्रोन हो जाता हूँ, उसके बाद भाई खड़ा हो जाता है, हमें नज़र आ जाएगा बाबा जी ऐसे कैसे बाबा जी। और फिर हमने यहाँ पे बैरल से किया भाई को फिनिश, अब इनकी करेंगे मज़े से लूट, और उसके बाद भाई हमने इतना ढूंढा बंदे, इतने बंदे ढूंढे बट बंदे तो मिल ही नहीं रहे थे लास्ट तक, क्योंकि जो रैंक पुश कर रहे होते हैं आजकल ना गाइस, लोग ना सैनोक में भी रैंक पुश करने लग गए हैं, तो लाइक रैंक पुश वाली आवाम जो है ना वो लास्ट में मिलती है, यहाँ पर लास्ट में जाकर मुझे बंदे मिले 14 लाइव रह गए थे। अब ये पूरा स्क्वाड यहाँ पे लेटा हुआ था गाइस, मैंने स्प्रे दिया और ये भाग भाग के कवर ले रहे थे, और मुझे डर था कि अगर किसी के पास स्नाइपर है ना तो हमारे कान के नीचे लगाएगा और अपना बकरा बन जाएगा, क्योंकि ड्रॉप भी था यहाँ पे तो ऑम हो सकती थी इनके पास। यहाँ पे भाई मैं इनको इतनी दूर से नॉक किए जा रहा था, और शायद इनको मैं नज़र भी नहीं आ रहा हूँ बट मैं इनको स्पॉट कर रखा था, और फिर जैसे ही नॉक कर रहा था मैं क्लोज जा रहा था, बड़ा ओपन एरिया था मुझे ना मारते मारते जाना था। तो गाइस जो इनका
चौथा बंदा था वो शायद पास में नहीं था, फिर मैं एक ऐसे रैंडम नेट फेंकूँगा कि शायद से उनके पिछवाड़े में जाके फट जाए और कुछ सरप्राइज मिल जाए हमें भी और उन्हें भी, बट ऐसा कुछ होता नहीं है बाबा जी। और फिर मैं ऊपर जाके जो है ना अपने भैया को किल करूँगा कन्फर्म, जो कि वहाँ पर अपना पिछवाड़ा डिंगा करके नॉक पड़े हुए हैं, इनका हमने किया गाइस किल कन्फर्म। और अब मेरे पास ना गाइस 5 KM हो गई थी ख़त्म, अब हमें कुछ भी करके ना जल्दी से 5 KM ढूंढनी थी, क्योंकि 5 KM जितनी भी जमा कर लो लग जाती है कहीं ना कहीं। और फिर पर एक तो मतलब ऐसा होता है ना, हम लोग उठा के भी ज़्यादा रखते हैं और जब एक बार स्प्रे करने लगे ना फिर पता ही नहीं चलता गई कहाँ। तो फिर हमने कहा चलो भाई यहाँ से थोड़ी सी 5 KM ढूंढते हैं कहाँ पर है। इतनी देर में गैस मुझे इनका आखिरी बंदा नजर आया, तो मैं यहाँ पे स्पॉट करता हूँ भैया को, मारेंगे अपने M416 से परे जो कि सबकी फेवरेट गन है। यहाँ पे भाई हुए फिनिश। इतनी देर में गैस मुझे साइड से शॉट्स आते हैं और मुझे नज़र नहीं आता बंदा, जैसे मुझे स्पॉट होता है कि कहाँ बैठा, दरख्त के साथ मुंडी नज़र आएगी, तो भाई फ़ौरन से स्पॉट किया और यहाँ पे भैया को करेंगे फिनिश। Zephyo001, अच्छा ये शायद इनकी डेट ऑफ बर्थ होगी, मतलब गैस कर रहा हूँ ऐसे ही नॉर्मल हो सकता है ना कि 2001 जो है ना इनकी लाइक डेट ऑफ बर्थ का ईयर होगा 2001, तो इसलिए भाई ने साथ में लिख रखा होगा। हमारा ना नॉर्मली पासवर्ड भी ऐसे ही होता है, हमारी डेट ऑफ बर्थ वगैरह। इंसान ना अटैच होता काफ़ी अपने लाइक तारीख पैदाइश से। यहाँ पे गए शॉट्स आ रहे थे तो मैं यहाँ पे एक को नॉक किया, दूसरा भी जोन के बाहर लड़ रहे थे। अब उन्होंने एक स्कोर तो कर दिया गए वाइप, लेकिन वो भाई इसकी हेल्थ हो गई कम, ये बेचारा ना रुक के ना हील करने लगा था और फिर हमने यहाँ पे इनका किल चुराया। अब गए दो बंदे बचे थे और आखिरी में ना हमारे साथ प्रैंक होगा देखना। दो बंदे बचे थे, उनमें से एक मर जाता है जोन से, और फिर जो आखिरी बंदा बचता है ना, जब मुझे नज़र आता है ना मैं उसके ना ट्राई करता हूँ कि मैं उसको कितने क्लोज जा सकता हूँ, जाके देखूँगा और फिर मैं गन पीछे रख देता हूँ और ना लाइक मैं देखूँगा कि मैं उसको कितने ज़्यादा क्लोज जा सकता हूँ। फिलहाल तो मैं ऊपर जाके ना ऐसे ट्राई कर रहा था गाइस के शायद यहाँ पर हो, यहाँ पर ऐसे स्पॉट करने का ट्राई कर रहे थे। अच्छा गाइस पता है आप लोग जितना भी अच्छा गेम प्ले निकालो ना, लास्ट में जाके मस्ती करने के मन में आता है, तो मेरे भी आया था। पहले मैं यहाँ पर जंप वंप करके स्पॉट किया, बट जब कोई नज़र नहीं आया ना फिर मैंने कभी जाके ना एक बार बूस्ट मार लो, क्योंकि सांप हैं जहरीले, अगर ये दोनों ज़िंदा होते ना फिर मैं गन से मारता, बट एक बंदा जोन से मर गया ना अकेला बचा था। फिर मेरे माइंड में आया बाबा जी थोड़ी सी करते हैं मस्ती, ऐसे देखूंगा कि प्रोन होके ना कितना क्लोज जाया जा सकता है। तो फिर मैंने क्या किया यहाँ पे भाई बूस्टर मारा अच्छे से, और यहाँ पे जब आता है कि ये देखो खेल फील्ड में आया था कि भाई आखिरी एक बंदा जोन से मर गया, तो अब आखिरी बंदा बचा था तो मैं उसको ढूंढा सामने से बैठ, उसको काफ़ी क्लोज आ जाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता हूँ, बट ये गधा मुझे स्पॉट कर लेता है और जब मुझे स्पॉट करता है मेरे को गन निकालने का मौका नहीं होता, और काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गया था, लेकिन देखो 5-6 मीटर रह गया था। फिर गाइस बाबा जी हमें मतलब सेकंड आते हैं लेकिन अच्छे किल के साथ। आज हम लोग टीडीएम में आए थे और अरीना खेल रहे थे यहाँ पे ना, लाइक आज मैं कर रहा था ओनली उजी चैलेंज, तो बाबा जी आज हम ओनली उजी करेंगे और ना लाइक जिसको मारेंगे ना तो मतलब नाम लेंगे कि ये छक्का इस बॉलर को, ये छक्का इस बॉलर को, और देखते हैं लाइक एक बॉलर का नाम दोबारा से नहीं लेना, ठीक है। आज का हमारे चैलेंज होगा तो छक्का पड़ा हमारा, ये कौन अश्विन, ओके ये अश्विन भैया गए हमारे, उमर गुल आ रहा है, ये हमारे उमर गुल भैया, और ये लक्ष्मण मलिंगा वापस आ गए गन उठा के, उसी दोबारा जाएंगे जुनेद खान। अब कौन आएगा, मोहम्मद इरफान आएगा, नेट कर रहा था गैस में ऐसे रैंडम, और गैस पता नहीं क्यों नेट का डैमेज ना यहाँ पे कम होता है, परफेक्ट नेट होता है डैमेज। नाइस शॉट एक्सपायर्ड मारना, और ये थे हमारे मोहम्मद इरफान और ये थे हमारे हमारे स्पिनर इमाद हुसैन, शादाब खान दोनों गए बाबा जी ऐसे कैसे, और 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 killing spree for the blue team। ये कौन था, ये था मिचेल स्टार्क, ठीक है
वो नहीं डाला था गाइस। 5-6 हो चुकी है, ओनली इजी खेल रहे हैं। और ये कौन है मिस्टर स्टार के बाद? ब्रेट ली। ओके, और ये ग्लैन मगराथ, ये भी गए। और कौन? एक्सपायर, एनिमीज रीलोडिंग। ओके, शर्मा द ब्लू टीम, और ये गाइस इन द लीड। क्या मुझे जंप करना था बेचारा, और मेरी एमो खत्म हो गई लॉल। और ये कौन? शेन वॉटसन का बॉलर है, ठीक है, बच के। और वो बेचारा जंप कर रहा था, लेकिन यार भी भाई मेकअप करने नहीं देंगे ना उनको, ना मैं करूँगा मुझे मार देंगे वो भाई करेंगे उन्हें मार। स्टेडियम में गए मीटअप लोग ना, जैसे फाइट ले गए यार, तो लेग टीम मेट्स मारते रहते हैं ना इसलिए। अब काफ़ी देर के बैठे आशीष मेहरा उठी गया। ओके, और वेस्ट इंडीज के बिशु, ओके किल मिल गया। 11 की स्ट्रीक जा रही थी हमारी। अब ये कौन है? गनिश कनेरिया, लाइक हम जो मेरी एज के ना उनको पता होगा, पुराने पाकिस्तानी क्रिकेटर। ओके ओके, दानिश के नहीं देते। अब शेव मलिक स्पिन कराते हैं भाई, नाम दे। ग्रेट, यू आर अबाउट टू विन। द ब्लू टीम इज हेडिंग टू अ परफेक्ट विन। द ब्लू टीम इज अनस्टॉपेबल। के पिछवाड़े में हमने गोलियां मारी। एनिमीज अहेड। और अब ये कौन है? ये शायद अपनी जी खुद। यस, अब कौन? इजाज सीमा। कवर मी। ब्लू टीम विक्ट्री। और यहाँ पे गैस फिर हमें मिल जाएगा विनर, विनर चिकन डिनर। उजी चैलेंज था हमारा, और यहाँ पे 21 का केडी लेके गए हम, 21 किल्स हुए हमारे। तो इंशाल्लाह शायद मैं कल लाइक ऐसे रैंडम गेम कर लेंगे टीडीएम की, या फिर कोई चैलेंज कर लेंगे, या स्नाइपर कर लेंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे। तो गैस वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट से ज़रूर बताना। और मैंने ना एक चलती कार में हेडशॉट मारा था, वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, तो आप जाके देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना, अच्छी लगी तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहना और सपोर्ट करते रहना, और कोशिश करना नमाज कायम करो। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना पब्लिक। अल्लाह हाफिज़।